हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिलीशियस एलिमेंट एंड व्लॉग। आज है मंडे, यानी मेरा सावन का तीसरा सोमवार का फास्ट है और आज मैं कुछ अलग से वीडियो आप लोगों के लिए नहीं लाई हूँ। साथ ही मैंने आज जो भोलेनाथ को प्रसाद चढ़ाना था उसी की वीडियो मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लीजिए। और साथ ही साथ आपको ये जब भी वीडियो मिलेगा, तो शायद मंडे को तो नहीं मिल पाएगा, ये पॉसिबल नहीं है, आपको ये वीडियो मिलेगा ट्यूसडे या वेडनेसडे को, तो सो माइंड मत कीजिएगा। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले साबूदाने का खीर बनाने के लिए मैंने एक पतीला गर्म होने के लिए रख दिया है। उसमें डालेंगे बड़े ग्लास से दो ग्लास के करीब दूध। दूध बड़े ग्लास से दो ग्लास इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि मैंने एक कप के करीब ही साबूदाना भिंगो के रखा था 6 से 7 घंटे पहले। सो अब इसमें आना है एक बॉयल। एक बॉयल आने के बाद इसमें हमें डालेंगे साबूदाना। तो यहाँ साबूदाना मैंने भिंगो के पहले ही रख दिया था, वो अच्छे से फूल चुका है, इसे वॉश करके मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। अब इसे हम दूध में डाल देंगे। अब सारे साबूदाने को मैंने दूध में डाल दिया है। अब इसको बराबर हम चलाते रहेंगे और हमें चलाना इसलिए है, अगर छोड़ देंगे तो ये तले पर जाके चिपक जाएगा और अंदर से जल जाएगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा फिर खाने में। तो 5 से 10 मिनट के लिए हम बराबर इस साबूदाने की खीर को चलाते रहेंगे। पाँच मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। अब आप देख सकते हैं दूध थोड़ा सा थिक हो चुका है और इसमें जो साबूदाने हैं वो भी अच्छे से खिल चुके हैं। इसी तरीके से हम 5 से 6 मिनट लो फ्लेम पर और चला लेंगे। 5 से 6 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसमें हम डाल रहे हैं पीनट्स। इस पीनट्स को मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया था, फ्राई करके हल्का सा दरदरा सा पीस लिया है। और आप भी इस तरीके से बराबर चलाते रहिए, अगर थोड़ा सा भी आप छोड़ देंगे तो पूरा दूध तले पे चिपक जाएगा। तो अब यहाँ लो फ्लेम पे भी 5 से 6 मिनट कंप्लीट हो चुका है। अब आप देख सकते हैं जो दूध बहुत ही ज़्यादा थिक हो चुका है। अब ठीक इसी तरीके से हम 2-3 मिनट और चलाएंगे जो कि दूध थोड़ा सा और ठीक हो जाए। बस इसी तरीके से हमें लो फ्लेम पे इसे थोड़ा सा और चलाते रहना है कि दूध जो अच्छे से और ठीक हो जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ हमें बराबर इस दूध को चलाते रहना है, और नहीं चलाएंगे तो दूध अच्छे से नीचे पूरा तले पे चिपक जाएगा, तो इसलिए आप बराबर चलाते रहिए। अब जो साबूदाने की खीर थी बहुत अच्छे से थिक हो चुका है। अब इसे हमें ठंडा होने के लिए साइड में रख देना है और ठंडा होने के बाद अब इसमें हमें चीनी मिलाना है। तो साबूदाने का खीर ठंडा हो चुका है, अब इसमें हमें मिलाना है चीनी। चीनी हम उतना ही मिलाएंगे जितना हम मीठा खाना पसंद करते होंगे, तो चीनी उतना हम मिला देंगे और फिर इसे बराबर चलाते रहेंगे ताकि चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए। अब चीनी यहाँ बहुत अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब नेक्स्ट हमें मिलाना है पीनट्स, जो मैंने पहले थोड़ा सा बचा के रखा था वो पीनट्स इसमें मिला देंगे। और साथ ही मिलाएंगे छोटी इलायची का पाउडर। यहाँ 3 इलायची का पाउडर मैंने पीस के एक प्लेट में निकाल लिया था, सो उसे भी अब इसमें मिला देंगे। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ प्रसाद बनके तैयार हो चुका है। अब आप सभी फटाफट से कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए ये साबूदाने की खीर की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और अपने घर पर बना के साबूदाने की खीर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और साथ ही अपना फीडबैक भी मेरे साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ अपनी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।